नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार, आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का मेंटर। देखिए, अपने इस वीडियो में सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अबाउट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि मेरा बेस्ट एग्जाम भी हुआ था, जिसमें मेरी रैंक 2 आई थी इन RI कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। तो मैं आप सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मौका मिलता है कभी इन RI कि इसमें पढ़ने का मौका मिलता है, तो आप छोड़िएगा मत, बिकॉज ये इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां पर टीचर एजुकेशन यानी कि BEd कराया जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, अब आज के हम इसमें बताएंगे आपको कि कब इसका फॉर्म रिलीज होता है, लास्ट डेट वगैरह क्या है, पैटर्न, सिलेबस, क्या क्या एग्जाम होते, क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, ये सब चीज़ें। ठीक, देखिए, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन मई में आता है, मई के वो भी अराउंड सेकेंड वीक में। लास्ट डेट इसका ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। ठीक, एडमिट कार्ड इसका मई के लास्ट वीक में आ जाता है और फर्स्ट वीक ऑफ जून। एग्जाम डेट जो होती है इसकी, वो होती है सेकेंड वीक ऑफ जून। रिजल्ट फॉर BEd, इसका रिजल्ट आता है लास्ट वीक ऑफ जुलाई। ओके, काउंसलिंग, देखिए काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग डेट हर एक RI अपनी अपनी अलग अलग रखती है। सभी RIs में, जितने भी 5 की 5 RI अराउंड इंडिया, सबकी डेट्स अलग रहती है, लेकिन मैं अजमेर का आपको बताता हूँ, बिकॉज मेरा जब हुआ था तो मेरे को RI अजमेर मिला था, क्योंकि मैं उसी जोन में, मेरा स्टेट आता है। तो अजमेर का जो अराउंड 1 अगस्त 2019 में हुआ था, 1 अगस्त को काउंसलिंग, यानी कि अराउंड आपके अगस्त के फर्स्ट वीक से काउंसलिंग शुरू हो जाती है। ड्यूरेशन और अदर जितनी भी RI हैं, उनमें भी जुलाई के, जैसे ही ये आपका रिजल्ट आता है, उसके कुछ दिनों बाद आपकी ये काउंसलिंग डेट्स आ जाती हैं। ओके, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, ड्यूरेशन जो है, पेपर जो है 2 घंटे का होता है, यानी कि 120 मिनट। मोड ऑफ एग्जाम MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग, देखिए इसमें बहुत खतरनाक नेगेटिव मार्किंग होती है, डेट इज 1/2 और 2.0.5। तो इसलिए बहुत संभल कर इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। आप कुछ भी टिक नहीं कर सकते हैं, गेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पता है तभी आप उस क्वेश्चन को छेड़ेंगे। ठीक है, तो इस मामले में मेरे को बड़ा खतरनाक पेपर ये लगा था। टाइप ऑफ क्वेश्चंस वही आपके MCQ और मोड में आएगा ऑफलाइन एग्जाम। ये ऑफलाइन होता है एग्जाम, ऑनलाइन नहीं होता एग्जाम। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ये सब यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फिर बता देते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 80, टोटल मार्क्स 160, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ओके, देखिए एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, लैंग्वेज प्रोफिशंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग। लैंग्वेज प्रोफिशंसी में आपसे इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश में भी क्या पूछते हैं ये लोग कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितने भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, कहीं पर आपको जो सेंटेंस दे दिया और उसमें पूछा कि भाई कहाँ पर जो है प्रॉब्लम है, या फिर उसको सीक्वेंस करो, या फिर जितने भी ग्रामर है उससे रिलेटेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idiom phrases पूछ लेते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें इसमें लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी नहीं पूछी जाती है। टीचिंग एप्टीट्यूड ये हम पढ़ाएंगे आपको। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से पूछा जाता है, और अच्छी खासी, मतलब अच्छे लेवल की रीजनिंग होती है। ठीक है, तो और ये दोनों भी अच्छे लेवल के होते हैं। देखिए, अगर आप, हम बात करें BEd के बारे में, BEd, BSc BEd और BA BEd,
इन तीनों के लिए जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होगा, जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। लेकिन अगर एमएड और एमएससी एमएड के बारे में बात करते हैं तो वहां पर जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो इसलिए ये बात दिमाग में बैठा के रखिएगा कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं फॉर बीएड तो ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आएंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के, जो नॉर्मल पेपर नहीं होता है वो अच्छा खासा और अच्छा लेवल का पेपर होता है। ओके, तो देखिए इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, इसके 30, इसके 30। और मेरे को ये पेपर इसीलिए अच्छा लगा, मतलब मेरा फेवरेट एग्जाम ये इसलिए रहा और अच्छा भी रहा क्योंकि इसमें ये जो चीज़ें हैं बहुत प्रिसाइज चीज़ें और जो काम की चीज़ें वही चीज़ें पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जीके पूछ ली, जीएस पूछ ली, वो सब इसमें नहीं पूछे जाते। ओके, तो 80 क्वेश्चंस, 160 मार्क्स। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं अबाउट दिस पेपर कि यहाँ पर एक ये आप देख रहे होंगे रेशियो मैंने लिखा है 40+60%। ये क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो 40% जो आपके मार्क्स जुड़ते हैं वो मार्क्स जुड़ते हैं ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम की, जैसे आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो तो ग्रेजुएशन में जितना भी आपका परसेंटेज रहा है उसका 40% प्लस जो जितना आप इस पेपर में सिक्योर करोगे, यानी कि 160 मार्क्स में से जितना आप सिक्योर करोगे उसका 60% दोनों को जोड़कर तब जो आपका परसेंट निकल कर आएगा वो फाइनल परसेंट होता है। ओके, तो इसलिए मेरे को, इसलिए जिन लोगों के ग्रेजुएशन में अच्छे स्कोर हैं तो वो इस पेपर को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। और इसमें आपका ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा अगर उसमें अच्छे नंबर हैं तो 40% आपका यहाँ पर स्कोर बढ़ा देगा। और अगर इनकेस थोड़ा इन सब में यानी इसके एंट्रेंस में थोड़ा कम भी रह गए हैं और यहाँ पर ज़्यादा हैं तब भी आप थोड़ा कर जाते हैं। ओके, तो ये बात थी हमारे अबाउट RIE जो कि आपके ये सब तीन चीज़ें पूछता है, यही सिलेबस भी है, सिलेबस में भी यही तीन चीज़ें से पूछेगा, रीजनिंग से पूछेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछेगा और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि आप हाउ मच यू आर स्किल्ड इन योर इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में भी इंग्लिश पूछता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं इसमें। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Never give up.